मैं अपने सभी साथियों भाई लोगों से कहना चाहूँगा, 22 तारीख को आप लोगों की एग्ज़ाम है। मैं ये पेपर आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ, और पहला पेपर मैंने करा दिया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दूसरा है, और अभी हमारे पास 6 पेपर और बचे हुए हैं। बेशक मैंने आपसे बोला था 8 पेपर हैं, तो 8 पेपर मैं प्रीवियस आपको करवा रहा हूँ। इनसे आपको काफ़ी हेल्प, मतलब कह सकते हैं सफलता मिलेगी, एक अच्छी जानकारी इनसे मिलेगी, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या गलती ना करें, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बस गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और 22 तारीख को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मैं तुरंत बताऊंगा, सेंटर पर मिलूंगा, ठीक है, उसका मैं वीडियो आपको तुरंत दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन जल्दी से ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को और प्रेस कर लो, और इस वीडियो को आपके जो यार दोस्त हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं, आपके रिलेटेड हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी ले सकें, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में गलतियां की हैं, और आप भी मत करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक आदमी ने 100 रुपये में लैंप खरीदा, ठीक है, और उसे 120 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सीधी सी बात है, कोई वस्तु 100 में खरीदी और एक 120 में बेच दी, 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन नहीं, आईटीआई के स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस था उसको, उसने क्या किया, बी ऑप्शन लगाया, जो कि क्या है, गलत आंसर है। ए आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इन क्वेश्चन को आप अपने माइंड में ऐसा लें कि आपको नहीं आता, फिर बाद में बताना 25 में से आपका कितना स्कोर हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनुपयुक्त संवाद किसे कहते हैं, जो अनुपयुक्त संवाद होता है उसे क्या कहते हैं, इस जो कह सकते हैं अनुपयुक्त मतलब वीकनेस, मतलब कमजोर हो ऐसा है, ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन। तो देखो, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तो जो आईटीआई का स्टूडेंट था उसने मालूम क्या किया, संदेश सीधा और स्पष्ट हो, भाई पुअर मतलब गर्व, अगर गरीब कम्युनिकेशन होगा संचार, तो ये ऐसी बात थोड़ी नहीं होगी, ए ऑप्शन सही होगा, ना कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अपने बाद में हम ये भी देखेंगे इस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो एलेक्सा है, कॉर्टाना, एस्ट्रिन, गूगल, शेरी एंड वेटसन, ये सभी के सभी जो हैं, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, ये सभी की सभी किस में श्रेणी में आते हैं, वॉइस रिग्निशन डिवाइस, ये क्या है, सभी की सभी वॉइस रिग्निशन डिवाइस, यानी आवाज़ की पहचान की क्या है, ये सभी की सभी उपकरण है। बी ऑप्शन, वो ए ऑप्शन तो इसका सही था, लेकिन उसने क्या देखा, आईटीआई के स्टूडेंट, ये सभी के सभी वॉइस रिकॉर्डर हैं, मतलब हम इनमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि गलत आंसर था, समझ गए। चलिए, यानी कि ये सी वाला गलत है, और आईटीआई का जो डीजीटी वाले का ये सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। ऐसी गलतियां आप ना करें, इनको अच्छे से रट लें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस 25 क्वेश्चन में से कम 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना खाली स्थान कहलाता है, टिकाऊ अपन, या हम कह सकते हैं टिकाऊ अपन, लेकिन जो टिकाऊ अपन क्या था, सही आंसर था, देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या सा था, सही आंसर था, लेकिन जो आईटीआई का स्टूडेंट था उसने बनाया मेंटेन, यानी कि बनाए रखना, तो जो कि गलत आंसर था, तो बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही है। ये गलतियाँ आप ना करें, मुझे तो ये लग रहा है लड़का फेल हुआ है एग्जाम में। जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को खाली स्थान पाते हैं तो असहज महसूस करते हैं, तो बिल्कुल सही, जोर से हंसते हुए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट ने लगाया है सी ऑप्शन, जो कि गलत है, डी ऑप्शन सही है। ऐसी गलतियों से आप लोग ना बचें, ठीक है, ऐसी गलतियों से आप लोग बचें, ये गलतियां आप लोग आगे ना करें, नहीं तो 25 में से आपके वही आएंगे 10-15 क्वेश्चन सही, तो इसलिए पूरे में से पूरे लाना, क्योंकि भाई मैं चिल्ला के बार बार बोला हूँ, भारत स्किल पर मैंने आईटीआई भारत स्किल पे एक बार टॉपर स्टूडेंट निकालना है, मेरी बहुत मेहनत करी यार, बहुत मेहनत करी सच में। कंप्यूटर के भौतिक भाग को खाली स्थान कहते हैं, देखो कंप्यूटर के जो भौतिक भाग को हम क्या कहेंगे,
अरे यार स्टूडेंट को बिल्कुल ना समझ ही था क्या? उसने सॉफ्टवेयर लगाया है। सॉफ्टवेयर एकदम गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर जो आईटीआई का है वो हो जाएगा हार्डवेयर। भौतिक बाहरी बनावट पूछा उसने, वो कैसा होता है? हार्डवेयर होता है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है, ये बात ध्यान रखना है। मैंने इतनी मेहनत की है फिर भी मतलब क्या बताएं, पिछली बार बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे थे। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, मतलब अपना टाइम ड्यूटी का निकाल के, अप्रेंटिसशिप का, मैं तब आपको वीडियो दे रहा हूँ। चलिए देखो, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेगा एग्जाम में। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड दी आईटीआई, मतलब जब आप अपने आईटीआई में बाहर और अंदर आईटीआई के टीचर से मिलेंगे तो कैसा आपका मतलब कैसा रहेगा आपको, तो बताइए। ऑलवेज फॉर्मल जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, आईटीआई के स्टूडेंट ने लगाया है इनफॉर्मल आउटसाइड, जो कि गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन ये रहा, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, वो तो वे क्या हैं? तो वे आपको पसंद नहीं करते हैं। गलत आंसर हो जाएगा। आपको सुधार के लिए फीडबैक दे रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। आप अपने नज़रिए से ना देखें, आप डीजीटी के नज़रिए से आंसर लगाएं। मुझे तो लग रहा है ये स्टूडेंट एग्ज़ाम में पक्का फेल हुआ होगा, पक्का पक्का। चलिए, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चुने, ये ऐसे लोग मालूम कौन होते हैं, कभी आईटीआई में ना गए हों और कहीं काम कर रहे हों, किसी ने बोल दिया कि आईटीआई कर लो, वो लोग होते हैं। नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या हुआ, कंट्रोल प्लस सी, नया बनाने के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस एन होता है, और बी जो होता है कंट्रोल प्लस बोल्ड के लिए होता है, ठीक है, सी कॉपी के लिए होता है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन 13,340 में खरीदा गया है, ठीक है भैया, इसे 14,007 रुपये में बेच दिया है, तो अर्जित लाभ कितना होगा? कुछ नहीं है लाभ, इनमें से आप माइनस करो ऊपर से, और नीचे जो इतने में खरीदा उतने का इनटू 100 करके निकाल दो, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5%, ना कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब मुझे एक क्वेश्चन इसका सही दिखाई दिया, कभी पढ़ लिया होगा भूले भटके से। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है? जब आप अपने देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची कहाँ पा सकते हैं? स्टार्टअप इंडिया में देख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। अब इसका एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया सही, एक क्वेश्चन इसने किया। ये गलती आप ना करें, नहीं तो फेल हो जाओगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हल्के में ना लें, क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा ना, आप पता को पता लगे, अभी आपको ऐसा लगेगा बहुत सरल है। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज नॉट एनी एमोसमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज ए प्लेस। तो वो प्लेस जो है वो कैसी है, नॉइस मतलब आवाज वाली है, नहीं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बोरिंग वाली। बिल्कुल सही आंसर इसका डी, डीजीटी ने इसका आंसर डी माना है, तो डी एकदम सही। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे आईटीआई के स्टूडेंट, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? वेबकास्ट बोलते हैं, बिल्कुल बात सही, ना कि लाइव मीडिया, राइट ऑप्शन सी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे लिख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, आत्म परिचय क्या होता है? स्वयं का उचित परिचय, वो ही आत्म परिचय आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, ना कि उत्पादों के बारे में उचित परिचय, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम ये देखेंगे उस व्यक्ति ने इसमें सही क्वेश्चन किसने किया, आखिरी में जरूर दिखाएंगे आपको, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, दिमाग खुल जाएगा। एमएस ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूमो या लेटर तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा? बिल्कुल बात सही है, एमएस वर्ड ही आपकी मदद
करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, यदि हम पर्यावरण को खाली स्थान चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित खाली स्थान, तो हमेशा याद रखना चाहिए यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। उसने बोला यदि हम पर्यावरण को जीना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित चाहिए। वाह भाई, बिल्कुल एकदम, क्या बात है, एकदम दिमाग उसका उल्टा ही था क्या, थोड़ा सा भी अगर पढ़ता तो इसका आंसर वो सही लगाता। ठीक है, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना मिले। ठीक है, राइट आंसर है ए, वो बी, और जो कि सी ऑप्शन उसने लगाया आइडिया वो गलत आंसर है। ठीक है, चलिए, जॉब के लिए लोगों का चयन करने के लिए कंपनियों द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, तो वो होता है आपका रिज्यूम, ना कि आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट होता तो है लेकिन जॉब के लिए रिज्यूम होता है, रिज्यूम में आपका पूरा बायोडाटा लिखा रहता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि बी ऑप्शन, ये सही रहेगा, ये गलत। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं, तो आईटीआई के स्टूडेंट लगाया लायंस होते हैं, लेकिन वो होते हैं ग्राहक। बिजनेस के मुख्य केंद्र क्या होते हैं, ग्राहक, ग्राहक आपके आने चाहिए और कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए ये रहा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग का, कंप्यूटर की एक फाइल स्टोरेज और एक सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, तो वो क्या है, गूगल ड्राइव। क्या है, गूगल ड्राइव, जो कि दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। आगे हमारा क्वेश्चन है, संवाद हमारे खाली स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो निभाता है कौन सा, व्यक्तिगत जीवन वाला निभाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि वो, सॉरी डी ऑप्शन सही है, हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन वाला सही, डी ऑप्शन इसका सही है, और बी ऑप्शन जो आईटीआई के स्टूडेंट लगाया वो इसने गलत लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जिट सेम टू सेम आपको एग्जाम में कॉपी पेस्ट मिलेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश खाली स्थान काम खाली स्थान में बदल गया है, तो ये मैनुअल, अधिकांश काम जो है मैनुअल में और काम जो है मशीन में बदल गया, मतलब आजकल देखा होगा आपने कंपनियों में आदमी से ज़्यादा, मनुष्य से ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा जो काम होने लगा है वो मशीनों से होने लगा आजकल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, और ए ऑप्शन उसने लगाया है, किसने, आईटीआई ने, वो अपना दिमाग लगाया था भाई, अपना दिमाग क्यों लगाओ। पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के खाली स्थान और खाली स्थान की सुरक्षा के लिए अनिवार्य करता है, तो सीधी सी बात है, उत्पीड़न महिलाओं और निवारण की सुरक्षा के, सुरक्षा को अनिवार्य करता है, जो कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और उसने क्या लगाया है, बी ऑप्शन, जो कि गलत है। आगे देखें, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, कंप्लीट द सेंटेंस विद स्टेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज ए निगवर्ड, वन नीड नॉट फेयर, तो वो हो जाएगा सेफ, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसको आप अच्छे से रट लो। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन की तैयार करने के लिए एमएस ऑफिस में कौन से टूल की उपयोग किया जाता है, तो हम एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं, ना कि एमएस वर्ड का। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, नहीं तो दो नंबर आपके हाथ से निकल जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाओगे। बस अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने खाली स्थान और अपने खाली स्थान के आधार पर प्रमोशन प्राप्त करता है, तो सीधी सी बात, वो योग्यता और उदाहरण के, ना कि उदाहरण और योग्यता के, उसने क्या उल्टा कर दिया है। देख ले, मुझे तो ये लग रहा है भाई, एक यह स्टूडेंट ही उल्टा है, इसने उल्टा ही किया है। अब ये देखते हैं इसने 25 में से एक क्वेश्चन सही कौन से किए, सही कितने किए वो देखेंगे, सिर्फ गलत तो उसने किए ही सभी है। तो अभी एक दो तीन चार
भाई साहब 24-25 क्वेश्चन में से मात्र 4 क्वेश्चन सही, 21 क्वेश्चन गलत, ये है इसका स्कोर। और आपका स्कोर इस 25 में से कितना हुआ कमेंट करके बता देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी थे, ऐसा नहीं, कुछ लोगों को भाई टफ भी लगे होंगे ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो आप इन 25 क्वेश्चनों को एक या दो बार रट लीजिए और नेक्स्ट आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कंटिन्यू में ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा 22 तारीख तक, ठीक है, फिर इसके बाद नहीं दे पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ड्यूटी का भी टाइम रहता है, अप्रेंटिस हमारी चलती है 6 महीना, ठीक है। तो एक वीडियो आप लोग लेके आऊँगा अप्रेंटिस संबंधित जानकारी पूरी। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दो, ठीक है। जल्दी से कमेंट भी कर दो, क्या आपका जो भी हो सजेशन कमेंट कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।